दोस्तों अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो आपको सिविल साइड विजिट पे आना ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो भी हमारा प्रैक्टिकली फुल लोडेड वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे क्रैंक बार के बारे में, क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं। एक टॉपिक ये होगा, दूसरा टॉपिक होगा हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा, जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप बार वेंडिंग शेड्यूल जानते हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। मैंड्रिल क्या होता है और किस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं स्टील में, वो आपको आना चाहिए। बाकी आपको ड्राइंग रीडिंग का जनरल नोट्स आपको दिखाऊंगा, जो इंटरव्यू में आपके काफी काम आने वाले हैं। तो फुल लोडेड वीडियो है, आपको कंप्लीट इसको देखना पड़ेगा अगर नॉलेज चाहिए। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। देखो सामने जो आप देख रहे हो, ये जो सामने है, ये से हम क्रैंक बार बोलते हैं। एक क्रैंक बार स्लैब में प्रोवाइड किए गए, ये हम बीम में प्रोवाइड करते हैं, स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बेसिकली प्रोवाइड करने का एक ही रीज़न होता है, हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए। तीन चार सुनते रहना क्या क्या होता है। जहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है, वहाँ शेयर फोर्स को काउंटर रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, या हॉगिंग जिसे हम बोलते हैं। और जो टॉप बार होता है वो हमारा क्या, किसको, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। और जो हमारा बॉटम बार होता है वो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। देखो होता है क्या, जब लोड पड़ेगा, किसी भी चीज़ में लोड पड़ता है, अगर हम सेंटर में लोड डालें तो हमारी जो साइड वाली सरफेस होगी वो उठने की कोशिश करेगी, मतलब उसमें शेयर फोर्स मैक्सिमम क्रिएट होगी। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक दो तीन रीज़न रहते हैं जो हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और क्रैंक बार अल्टरनेट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो एक छोड़ के एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है। ऐसे तो हम कंटिन्यू भी क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस रहती है कि इसको हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक जो स्टील की कॉस्ट भी कम होती है, लेबर कॉस्ट भी कम होती है। तो इसी रीज़न से हम अल्टरनेट देते हैं, ये इंडियन पैटर्न है। आपने फॉरेन की कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो वहाँ रेगुलर कंटिन्यूस भी प्रोवाइड किया गया है क्रैंक बार, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट मोस्टली देखा जाता है। और ऐसे हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो जो इसका डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो L/4 के हिसाब से हम करेंगे। जितनी भी आपकी स्लैब है, मतलब लगा लो 1500 का आपका स्पान बनता है अंदर टू अंदर, तो उसको 1500 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उस पर हमारा क्रैंक बार तोड़ा जाएगा। और इसकी जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ जो बार में आएगी वो 0.42D के हिसाब से होगी, और 0.42 कांस्टेंट रहेगा। D आपका हो गया स्लैब की आपकी थिकनेस, मतलब आपको 125 mm की स्लैब है, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। अगर हम 25 mm कवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 75 mm, 0.42D इंटू 75, मतलब मोस्टली 40 से 50 mm एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ आपको जोड़ना पड़ेगा जब भी आप क्रैंक बार प्रोवाइड करोगे। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रैंक बार क्या होता है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम क्रैंक बार बीम में देते हैं, और बीम में भी यही वर्क वो करता है, शेयर फोर्स को काउंटर करता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को भी रेजिस्ट करने का काम वो करता है। चलो क्रैंक बार का थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता चल गया, अब भी हम चलते हैं मैंड्रिल की तरफ और उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। साइट इंजीनियर आपको ये साइट पे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर में भी जाना चाहते हो या साइट इंजीनियर के काम में, तो ये आने ही आना चाहिए। स्टील वर्क के रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, जो आपको बार वेंडिंग शेड्यूल में भी काम आएगा और एग्जीक्यूशन का ये पॉइंट रहेगा, तो उसको मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ। मैंड्रिल का ये टॉपिक रहने वाला है, जिन लोगों को पता है तो आइडिया लग गया होगा कि मैंड्रिल क्या है। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो सामने आप देख रहे हो हमारा क्या चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बेंड होता है आप देख रहे हो, ये डेवलपमेंट लेंथ है, उसके लिए हमें बेंडिंग करनी पड़ती है, या एंकरेज लेंथ हम जिसे बोलते हैं उसे बेंडिंग करनी पड़ती है। ये जो सरिया है L देख रहे हो आप, इसको बेंड करने का क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब अगर अगर प्रॉपर से आप बेंड नहीं करोगे, जब उस स्टील पे लोड आएगा वो वहीं से क्रैक होगा और फेलियर होने के चांसेस वहीं से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बेस पॉइंट है किसी चीज़ का और लोड पड़ेगा, अगर प्रॉपर बेंडिंग उसको नहीं की है तो वो फेल हो जाएगा। तो इसको भी एक प्रोसीजर होता है, IS कोड कहता है प्रॉपर बेंडिंग का। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम बेंडिंग करते हैं। ये है हमारी सामने देख रहे हो बेंडिंग मशीन है, इसी पे हमारी बेंडिंग होगी और यहाँ मैंड्रिल लगता है। ये जो सामने देख रहे हो ये मैंड्रिल है, इसी पे हम बेंडिंग करते हैं। लेकिन इसमें आपको कितनी बेंडिंग करनी होती है वो क्या डिपेंड होती है, वो आपको करनी होती है 8D के हिसाब से। ये मतलब IS कोड में सब मेंशन किया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर से 8D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करोगे और बेंडिंग करोगे तो प्रॉपर जब सरिये पे लोड आएगा वो प्रॉपरली नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जहाँ से बेंड हुआ होगा वहाँ से टूटने के या फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ मैंड्रिल आपको किस हिसाब से चूज़ करना होता है।
देखो जो भी डाया का सरिया होगा, जैसे हमने लिखा है रीबार साइज 8 mm, और फिर आपको कितने का मेंटली यूज करना है, 4 × D करना है। अगर 8 mm का स्टील है तो 32 mm का हमारा मेंड्रिल यूज़ होगा, अगर 10 mm का बार है तो 4D हमें मेंड्रिल यूज़ करना है, मतलब 40 mm उसका डाया होगा मेंड्रिल का, तो वो आपको यूज़ करना है। अगर हम बढ़ते हैं आगे 12 mm का, अगर आप 12 mm का सरिये की बेंडिंग करते हो तो 8D मेंड्रिल आपको यूज़ करना है, मतलब 8 × 12 हो जाएगा हमारा 96। फिर हमारा अगर 16 mm का बार है तो उसमें भी हमें मैंड्रिल यूज़ कौन सा करना होता है, 8D के हिसाब से, तो 8 × 16 हो जाएगा हमारा 128 mm। फिर आपको 20 का अगर डाया है तो 8 × 20 160 mm, 25 का है तो 8 × 25 वो 200 mm आपको मैंड्रिल यूज़ करना होता है। ये क्वालिटी के पॉइंट से बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है स्टील वर्क में, अगर आपको क्वालिटी देखनी है वर्क की, बाकी तो बार बेंडिंग शेड्यूल बाइंडिंग वगैरह देखनी है, लेकिन अगर उसकी बेंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो वो फेलियर सबसे जल्दी होगा। ये देखो हमारा ये है 16 mm का बार, तो इसमें जो प्रॉपर तरीके से की गई है, इसमें जो मैंड्रिल यूज़ किया गया है, जैसे आपने जो शीट में देखा वो आप कहीं नोट भी कर लो, जब भी आप साइड पे बेंडिंग करवाओगे तो आपको इसी हिसाब से 8D या 4D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करना है। ये जो सामने देखे वायर मैश इसको किया हुआ है, फुटिंग की जाली है, इसमें जो 10 mm का बार यूज़ हुआ है उसमें भी प्रॉपर तरीके से बेंडिंग की गई है। तो मैंड्रिल का आपको आइडिया लग गया क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यू में काम आएगा, जो ड्राइंग पे जर्नल नोट्स होते हैं वो काफी ज्यादा काम आते हैं, वो देखो आप साइड पे जाओगे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ड्राइंग पे जर्नल नोट्स रहते हैं उनमें काफी इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं और काफी नॉलेज भी होता है, तो वो आज मैं आपको अप्रोक्स 16 जर्नल नोट्स बताऊंगा जिसमें से 16 के 16 इंटरव्यू क्वेश्चन आपके निकलेंगे और आपको साइड पे जाके ये चीजें काम आएंगी। सबसे पहले आल डायमेंशन आर इन एमएम एंड एलिवेशन आर इन मीटर्स, मतलब इन्होंने जो दिया, जो आपकी ड्राइंग है यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ड्राइंग, तो ये सब इसके जो डायमेंशन है वो एमएम में है और जो एलिवेशन रहेंगी वो मीटर में, ये इन्होंने मेंशन किया होता है। अगली चीज है फॉर जनरल नोट्स लेजेंड्स रेफर ड्राइंग, ये नंबर ड्राइंग नंबर लिखा है। फिर कंक्रीट ग्रेड शैल बी एज फॉलोज, जो हम ब्लाइंडिंग यूज करेंगे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट करेंगे वो M10 यूज करेंगे, और स्ट्रक्चरल कंक्रीट जो रहेगा फाउंडेशन कॉलम बीम वगैरह में M25 कंक्रीट हमें यूज करना है, और कल M20 का मैंने मिक्स डिजाइन आपको दिखाया था वो आप भी देख सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन है जो भी रिइंफोर्समेंट आपको यूज करनी है वो HYSD होनी चाहिए और IS कोड 1786 ग्रेड FE500 होना चाहिए, और जिसका 12 mm डाया होना चाहिए, और जो हम यूज करेंगे रिवार 16 और उससे अबव उसका FE500 भी होना चाहिए, FE500D डक्टाइल, और ये सिर्फ क्या था FE500, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप करोगे। तो क्लियर कवर जो हमें प्रोवाइड करने हैं, कवर वो फाउंडेशन में हमें 50 mm प्रोवाइड करना है, वो जो कॉलम और पेडिस्टल हमारे होंगे वहां हमें 50 mm कवर प्रोवाइड करना है। प्लस 6 पॉइंट क्या है आपका, जो भी आप बैक फिलिंग करोगे ठीक है, जब उसकी हम सोइल बेयरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे SBC निकालेंगे तो वो 175 kN/m² आपकी होना चाहिए, इसका मैं आगे बताऊंगा भी। बाकी इस पे हमारे जो होंगे वो वीडियोस वो काफी आएंगे, जो टेस्ट होते हैं जो भी SPC के कंक्रीट के जिसके भी टेस्ट होंगे वो साइड के प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए आएगा। और एक्सप्रेशन शैल बी कैप्ट ड्राई बिफोर लेइंग कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट करना है जहां पानी नीचे वाटर टेबल ऊपरों का पानी आ जाएगा वहां आपको उसको ड्राई करना है, उसके बाद PCC ब्लाइंडिंग या RCC आपको करनी है। अगला है जो भी फाउंडेशन डाली जाएगी उसकी प्रॉपर से इंस्पेक्शन की जाएगी, जो भी क्लाइंट होगा साइट इंचार्ज होगा तो उसके बाद ही वहां काम किया जाएगा, और बैकफिल जब की जाएगी तो उसमें बोल्डर जो बड़े बड़े पत्थर या लंप्स कोई कंक्रीट के ऐसा कुछ मटेरियल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैकफिलिंग मोरम ही वहां फिलिंग करनी और उसकी प्रॉपर से कंपैक्शन करनी रहेगी। फाउंडेशन ट्रेंच जो होंगे वो गुड क्वालिटी मोरम से आपको भरने हैं, देखो यहां भी लिख दिया, और बैकफिल जब होगी तो 200 mm के लेयर के हिसाब से की जाएगी, प्रॉपर कंपैक्शन की जाएगी 200 लेयर डाल के, उसके बाद उसकी 95% वो आनी चाहिए डाइमेंसिटी। फिर अगला है जो भी आप यूज करोगे कंपैक्शन के लिए वो मैकेनिकल रनर होना चाहिए, प्रॉपर से वो टेम्पिंग करे, और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो भी होगा ATT ग्रेट स्लैब का फाउंडेशन का प्लिंथ बीम का वो स्पेशलिस्ट एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, और IS कोड से फॉलो करना है S613 Part 2 आपको उसके लिए फॉलो करना रहेगा। अगला है आप जो भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स होंगे वो रफ होने चाहिए प्रॉपर से, क्योंकि अगर जो आपने ज्वाइंट छोड़ा होगा प्रॉपर उसमें नेक्स्ट टाइम कंक्रीट करोगे
तो प्रॉपर से बॉन्ड दोनों में बननी चाहिए, ये नहीं कि फिनिशिंग हो और बाद में बॉन्ड नहीं बने, वहां से क्रैक होके टूट जाए। और जो भी लैपिंग करनी है आपको, लैप दो दिन है, वो 50D के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पर कंटिन्यू वीडियोस आई हैं 2-3 दिन से, आप देख सकते हो। 50D आपको लैप प्रोवाइड करना है और 50D से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थे, यहां से आपको काफी चीजें पता चली होंगी कि कौन सा ISCode किसके लिए होता है, कौन सा आपको पढ़ना है और क्या क्या बेसिक चीजें हैं। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आप हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल आइकन दबा कर रखो।